हेलो दोस्तों, आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और टेरिस पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आज तो 40-45 डिग्री सेल्सियस है और गर्मी इतनी भयंकर है कि मेरे सारे पौधे सूख चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और इतनी भयंकर गर्मी में तो बंदा भी जी नहीं पाएगा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा और लू इतनी ज़्यादा पड़ रही है और देख सकते हो कितनी धूप पड़ी हुई है यहाँ पर। और सूरज दिखाता हूँ, सूरज चाचू हमारे ऊपर ही हैं जो कि ये रहे, क्योंकि दिखे इतनी धूप में भी ये इतनी रोशनी कर रहे हैं, आपको दिख ही गए होंगे। और इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी है, सारे प्लांट सूख चुके हैं। मैं आपको दूर दूर तक दिखाऊं लोगों के प्लांट, और मेरे टेरिस के तो प्लांट सूख ही चुके हैं। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू ही करके दिखाता हूँ। वो वहाँ पर दिख रहा है आपको, एक वो प्लांट, वो देखो जो क्रिसमस ट्री होता है, वो भी पूरा सूख चुका है। यहाँ पर लोगों ने भी काफ़ी सारे अपने टेरिस पर प्लांट्स रखे हुए हैं, तो जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं, बट वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बट जो हमारे फ्लावर प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल ही सूख चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये हमने पाम का पेड़ लगाया हुआ है, ये भी छांव करता है, बट ये इनका भी अंदर काफ़ी सूखापन आ चुका है, देखा कि पूरे गमले सूख चुके हैं यहाँ पर। और गर्मी इतनी भयंकर है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और आज है 2 जून और इतनी भयंकर गर्मी है, तो मैंने यहाँ पर चिड़ियों के लिए एक थोड़ी सी हेल्प की है, जो कि मैंने यहाँ पर ये पॉट रखा है, उसके अंदर पानी भर के रखा हुआ है, और ये पानी भी काफ़ी गर्म हो चुका है यार। और क्या करें, गर्मी तो है ही है। और ये मेरा दूसरा कनेल का प्लांट, ये भी सूख चुका है, देखो मतलब फ्लावरिंग तो हो ही नहीं सकती इतनी गर्मी के अंदर। और यहाँ पर है मेरा कनेल का प्लांट, कनेल नहीं, इसको गुड़हल बोलते हैं। और ये भी देख सकते हो इसकी मिट्टी कितनी टाइट हो चुकी है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कितनी टाइट हो चुकी है। और सारे प्लांट मेरे ऐसे ही सूख चुके हैं, और इतनी भयंकर गर्मी है ना। और मेरा ये मधुमालती का प्लांट जो मैंने टेरिस पे लगाया था, जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी, कितना हरा भरा था, और अब देख सकते हो कितना ज़्यादा सूख चुका है। और अगर जो आप भी इनको प्यार करते हो यार, आप सोचते हो कि इनकी क्यों ना इनको छाव में रख दिया जाए, बट इतना बड़ा गमला कैसे उठा के लेके जा सकते हैं हम, और इसको उठाने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ पर। फिर भी क्या करें, सूखना तो है ही है, ज़्यादा गर्मी है, तो हम तो यही कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं या फिर इसको शेडो शूडो ऊपर ढक सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोगों ने प्लांट लगाए हैं वहाँ पर, देख सकते हो वहाँ भी इन्होंने छाँव में रखा इनको सेफ्टी के लिए, कि सूखे ना प्लांट। और यहाँ पर जो प्लांट फ्लावर वाले वो भी इन्होंने धूप में रखे हैं, तो यहाँ की शेडो इनको मतलब कि मिल जाते तो बच जाते हैं। और वहाँ पर देख सकते हो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की हुई है, अपने छत के ऊपर पूरे टेरेस के ऊपर सजा रखे हैं। और लोगों को प्लांट्स काफ़ी पसंद होते हैं यार, क्योंकि अब प्लांट्स तो बचे ही नहीं है, देख सकते हो पूरी गली में आपको एक भी प्लांट नहीं मिलेगा। अब जो एक दो प्लांट बच जाते हैं खाली, तो उसमें प्लांट्स लगे होते हैं, बट आपको एक भी प्लांट नहीं देखने को मिलते इंडिया में, क्योंकि ख़त्म होते जा रहे हैं। आज के टाइम में हर कोई घर बनाते जा रहे हैं, तो पेड़ का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। अब ये देख सकते हो, ये भी मैंने छांव में रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी है, देखो सूखना शुरू हो जाते हैं। हर टाइम टू टाइम वाटरिंग करो इनकी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, जो कि मैंने खुद ही ट्राई किया है, मतलब कि मेरे जो मनी प्लांट था ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सूख रहा था, तो मैंने ये प्लाई सी ना इसको ढक दिया है। आपको एक बार हटा के दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये है मेरा मनी प्लांट, और ये मेरा प्लांट सबसे फेवरेट प्लांट है, तो मैं इसकी केयर काफ़ी अच्छी करता हूँ। तो बट क्या करें, गर्मी है, सूख रहे हैं अभी, और देख सकते हो लीफ कितने जल्दी सूखने शुरू हो चुके हैं इनके, देखो ये देखो सूख गए हैं सारे, बट क्या कर सकते हैं, मैंने इसको ढक के रख दिया है, और टाइम टू टाइम वाटरिंग करता हूँ। देन मेरा यहाँ पर जैस्मिन प्लांट, ये भी पूरा अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले छांव में रखा है, और वो देखो वो भी सूख रहे हैं, वो देखो वहाँ पर है ना। और ये मेरा गुड़ का प्लांट, ये भी सूख रहा है यार, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी है। और लोगों के प्लांट आपको दिखाऊंगा एक बार, देखो वहाँ पर छतों पर उन्होंने भी रखे हुए हैं, बट वो भी देखो कितना सूख गया है यार, मन से देख के नहीं करता कि छांव में रख दे, और इतनी गर्मी है तो बेचारे मर जाएंगे, सूख के ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे, ये देखो ये वाले प्लांट, देखो ये कैसे हो गए एकदम मुरझा गए हैं, क्या यार, अंदर से दुख होता है, बट क्या करें। अगर जो गाइस आपको प्लांट्स पसंद है, तो हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। और अभी आपके प्लांट भी धूप में होंगे, तो आप उनके, मैं आपको कहूँगा उनको छांव में रखो, और अगर जितनी आपकी हेल्प हो सकती है उतना तो कर ही सकते हो। और बर्ड्स के लिए भी हेल्प करो, क्योंकि ना मैंने देखो वहाँ पे बर्ड्स के लिए रखा हुआ है एक पॉट, तो उनमें प्रॉपर पानी डाल देते हैं, बट क्या करें गर्म तो होता ही है, तो आप छांव में रख देना जहाँ पे बर्ड्स आते हो। और मैं फर्टिलाइज़र बनाता रहता हूँ, वो देखो वहाँ पर फर्टिलाइज़र भी बन रहा है, आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। गर्मी इतनी ज़्यादा, तो थोड़ा इसका फ़ायदा भी उठा लेता हूँ, जैसे जो केले बच जाते हैं है ना, तो उसी उन्हीं केले को यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये एक दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं, फिर इन्हीं को मैं इन्हीं पॉट्स के अंदर डाल देता हूँ, इनकी वो खाद बन जाता है फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक पानी चला के छोड़ देता हूँ, ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि अभी पानी ऑन कर दूँगा, मैं चला दूँगा, तो ये पानी अभी गर्म होगा, टंकी ऊपर है हमारी रखी हुई, तो
तो टंकी पूरी गर्म हो जाती है, शाम तक गर्म ही रहती है, पानी इसमें पूरा गर्म रहता है। तो ये पानी जब यहाँ रहेगा छाँव हो जाएगी, यहाँ पर छाँव पड़ जाएगी, तो ये पानी शाम तक ठंडा हो जाएगा। तो ये पानी हम प्लांट्स के अंदर डाल देंगे। तो आप मुझे जल्दी से फॉलो कमेंट कर देना आपको प्लांट्स कैसे लगते हैं। तो आज की वीडियो का मेन पर्पज़ था कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे लिए एक लाइक कर देना और मेरे प्लांट्स के लिए भी एक लाइक कर देना अगर जो आपको प्लांट्स पसंद है रियलिटी में, और मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो लोगों के मेरे पास काफ़ी कमेंट आते थे कि आपके प्लांट कितने अच्छे हैं, और मैं इनकी टाइम टू टाइम केयर करता हूँ, बट गर्मी में आप जितनी मर्जी केयर करो बट आपके प्लांट सूख के रहेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और काफ़ी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको 2 महीने के लिए। और इन गर्मी में आपको अपने प्लांट की कैसे केयर कर सकते हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो, और बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा। और बाय बाय गाइस, और फॉलो कर लेना अगर जो आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है।